अपने जीवन का उत्थान करने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, अथवा अपने आप को बदलने के लिए करुणा रेखी के प्रस्थापक रेखी मास्टर विलियम ली रैंड ने तीन उपाय बताए हैं। तीन उपायों में प्राचीनतम ध्यान है। यदि मनुष्य अपने मन की गति को राग द्वेष के विभिन्न साधनों से हटाकर थोड़ा अंतर्मुख कर ले, अपने आप को पढ़ना प्रारंभ कर दे और कुछ शांत होकर अपनी अंतरंग क्षमताओं का स्पर्श करने लग जाए, किसी विधि विशेष को न पकड़कर सहज अपने अभ्यासों में जाकर देख ले कि मेरा मन कैसे शांत होता है और यदि शांत हो जाता है तो उस शांति में स्थिर कैसे रहता है, इसकी खोज कर ले और फिर उस स्थिरता को बढ़ाने का प्रयास करें। कल्पनाओं में या किसी के थोपे हुए सिद्धांतों में न भटके, क्योंकि ध्यान के बारे में लोग अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार बहुत सारी बातें करते हैं। उसको खुद अपने मन का परिचय प्राप्त करके अपनी साधना या अपना अभ्यास करना होगा। तो इस उपाय से भी इंसान बदल जाता है। कभी कभी विक्षिप्त जैसा भी होता है, जब वो गलत दिशा में ध्यान प्रारंभ कर देता है पागल जैसा भी हो जाता है, तो उस तरफ नहीं जाना है। मात्र कमर पीठ गर्दन यानी सारी रीढ़ को सीधा करके हथेलियों को ऊपर की ओर करके घुटनों पर रखना है और शरीर को बाईं ओर दाहिनी ओर बराबर संतुलन में ले आना है। वो बैठने के बाद कुछ समय में आपको एहसास होगा आप बैठ रहे हैं, आपको लगेगा कि एक तरफ थोड़ा खिंचाव आ रहा है, वो इस तरफ भी हो सकता है उस तरफ भी हो सकता है। तो उसको बैलेंस कर लेना, संतुलित कर लेना, बराबर कर लेना, फिर सहज बैठना है। किसी दिव्य शक्ति का अभी आह्वान नहीं करना है, अपना अभ्यास करना है। अभी कोई सिद्धि प्राप्त करने का लोभ भी नहीं रखना है। मन कहां कहां जाता है और क्या क्या करता है उसका तमाशा देखना है।
मन के साथ हो जाने से मन भटका देता है, मन को देख लेने से शांत हो जाता है। जी कृष्णमूर्ति कहते थे कि आप देख लेना, कोई भी विचार आप करते हो वो जब तक पूरा होने को होता है तब तक एक नया विचार उसमें से अंकुरित हो जाता है, फिर वो पूर्ण होने वाला होता है तो पूर्ण होने से पहले एक और विचार उत्पन्न हो जाता है। खोज करने पर ऐसा लगता तो है, प्रयोग करने पर बात समझ में आती है कि अभी सोच रहे थे कि वहाँ जाना है और सोचते सोचते बीच में और भी कुछ आ गया। विचार करने वाले को ऐसा लगता है कि इतना पर्याप्त है, अब दूसरा विचार कर सकता हूँ मैं, और दूसरा करता है, फिर तीसरा चौथा, श्रृंखला टूटती नहीं है, उसको देखते जाना है। विचारों के साथ बहना नहीं है, विचारों के बहाव को तटस्थ होकर के देखना है। बहुत सारी शक्तियां अपने अंदर हैं, काम क्यों नहीं कर पा रही है? ऐसा क्यों नहीं लगता कि अपने अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं? उसका कारण है, अनेक शक्तियां अभी रुकी हुई है, अवरुद्ध है, अटक गई है। कुंडलिनी योग सिखलाने वाले चक्रों को खोलने की बात करते हैं, रेखी दीक्षा में भी कुछ चक्रों को खोलने की चर्चा आती है। ऐसा कहते हैं कि एट्यूनमेंट, सुसंगतता, इनिशिएशन, दीक्षा और एम्पावरमेंट, शक्तिपात। इससे चक्र खुलते हैं, ऊर्जा जागृत हो जाती है और प्रवाहित भी होने लगती है। जैसे कुछ रेकी मास्टर्स का कहना है कि फर्स्ट डिग्री में, प्रथम स्तर में, जिसको शोदेन कहते हैं, एस एच ओ डी एन, जापानीज शब्द, इसमें रेकी की दीक्षा ऊपर से नीचे की ओर होती है। सबसे पहले ये सहस्रार चक्र को खोला जाता है, तो उसके साथ में फिर आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र और अनाहत चक्र, इनको भी खोलते हैं। तो प्रथम स्तर में ये चार चक्र खुलते हैं और फिर प्रवाह चालू हो जाता है, फिर हृदय से, हाथों के माध्यम से, हथेलियों से निकलता है। यहाँ पर एक माइनर चक्र बोलते हैं, शरीर के कुछ मेजर चक्र हैं और कुछ माइनर चक्र हैं, बड़े चक्र, छोटे चक्र। बड़े चक्रों की जो आकृति बतलाते हैं वो ये हम शास्त्रों से नहीं बता रहे, जानकारों से जो सुनने मिली है जानकारी वो आपके सामने रख रहे हैं। वो अपनी मुट्ठी के बराबर, जैसे अपना जो हृदय होता है अंदर वो बिल्कुल अपनी मुट्ठी के बराबर होता है, उसी प्रकार ये सारे चक्र अपनी मुट्ठी के बराबर होते हैं। कभी सिकुड़ जाते हैं, कभी फैल भी जाते हैं, कभी मिस अलाइन भी हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो उन सबको व्यवस्थित करने की प्रक्रिया होती है, कुछ साधनाएं अभ्यास भी होते हैं, कुछ चिन्ह भी होते हैं, संकेत चिन्ह होते हैं,
उनसे भी ये कार्य संपन्न होता है। तो ये मुट्ठी बराबर ये सहस्रार चक्र आधा सिर के अंदर है और कुछ बाहर भी है, बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में, क्राउन चक्रा बोलते हैं अंग्रेजी भाषा वाले। और फिर इधर जो अंदर है ललाट, दोनों भ्रुकुटियों का जो भ्रू मध्य है उससे 1.5 सेंटीमीटर ऊपर, 1.5 सेंटीमीटर ऊपर की ओर, और बिल्कुल भीतर की तरफ अंदर जहाँ ये सहस्रार था उससे ठीक नीचे ब्रो चक्रा बोलते हैं। यहाँ पर क्राउन चक्रा, ब्रो चक्रा अंग्रेजी में हो गया, और अपने संस्कृत में योग दर्शन के अनुसार सहस्रार चक्र और ये आज्ञा चक्र। इसके बाद गले में थ्रोट चक्र बोलते हैं, मुट्ठी के बराबर आकृति है उसको। यहाँ पर भारत में विशुद्धि चक्र बोलते हैं, विशुद्धि चक्र। और इसके बाद यहाँ पर हृदय स्थल पर अनाहत चक्र है, हार्ट चक्र, और उससे नीचे नाभि स्थल पर, नाभि से कुछ ऊपर, भारत में जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं वहां पर सोलर चक्र बोलते हैं, सोलर। और फिर उससे कुछ नीचे यानी नाभि से ठीक, चाइनीज लोग, जापानीज लोग बोलते हैं कि ठीक 3 अंगुल नीचे अपनी नाभि पर ऐसे ये उंगली रख ली और 3 अंगुल नीचे की तरफ, और भीतर बस उसी लाइन के अंदर की तरफ अगर आप रेखा बना लो जहाँ सहस्रार था, एकदम ऐसे बीचों बीच रेखा बना ली नीचे, तो उसी रेखा में सारे चक्र आएंगे। नाभि चक्र नाभि पर नहीं होता, भीतर की ओर होता है, उधर में एब्डोमेन में एनर्जी सेंटर से वॉर्टेक्स ऑफ एनर्जी है, घूमती हुई ऊर्जाएं हैं उसके अंदर, वो अंदर की तरफ है, मणिपुर कहते हैं। मणिपुर से नीचे नाभि चक्र से 3 अंगुल नीचे स्वाधिष्ठान चक्र है, इसको चाइनीज लोग बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, टेंटियन बोलते हैं, टेंटियन। हारा चक्र भी बोलते हैं, हारा अंग्रेजी में सैक्रल चक्र बोलते हैं, सैक्रल। मेडिकल वाले जानते होंगे कि ये पीछे की जो हड्डी होती है उसको सैक्रम कहते हैं, कमर वाली, और बस उसी के आसपास का जो चक्र है वो सैक्रल चक्र है। और सबसे नीचे जो एक सिवनी नाड़ी कहलाती है, योगाभ्यास करने वाले जानते हैं कि सिद्धासन लगाते समय जहाँ अपनी एड़ी टिकती है उस स्थान पर जो अंतिम चक्र होता है, थोड़ा भीतर की तरफ ये मुट्ठी के बराबर मूलाधार, संस्कृत में उसको मूल कहा, और आधार शब्द तो आप जानते ही हैं, सपोर्ट, सहारा, आलंबन। अंग्रेजी में उसको रूट चक्र कह दिया, क्राउन ब्रो थ्रोट हार्ट सोलर हारा रूट, ऐसे 7 नाम दे दिए, और 7ों के रंग भी बता दिए उन्होंने, अलग अलग रंग हैं। ऊपर से नीचे की तरफ इंद्रधनुष के, मेघ धनुष के जो 7 रंग होते हैं, विबग्योर बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, रेनबो कलर्स, सबसे ऊपर वायलेट कलर, क्राउन चक्र, ब्रो चक्र इंडिगो कलर, डीप ब्लू, थ्रोट चक्र ब्लू कलर, सहस्रार जामुनी ये बैंगनी, आज्ञा गहरा नीला, विशुद्धि चक्र थ्रोट चक्र नीला,
हृदय चक्र, हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, हरा, नाभि चक्र, सोलर चक्र, मणिपुर चक्र, पीला, स्वाधिष्ठान चक्र, नारंगी, ऑरेंज कलर, और सबसे नीचे जो रूट चक्र है वो रेड है, लाल। ये इंद्रधनुष के रंग हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ध्यान में बैठते समय अपन ध्यान जहाँ भी केंद्रित करेंगे वहाँ अपनी ऊर्जा भी केंद्रित होगी, इस बात की आपको सावधानी रखनी है। पांचवी शताब्दी के एक दिगंबर जैन आचार्य हुए थे जिनका नाम आचार्य पूज्यपाद स्वामी था। ब्राह्मण थे शुरू से। उन्होंने एक बड़े अद्भुत रहस्य की बात अपने इष्टोपदेश ग्रंथ के 20वें काव्य में लिखी है। आज जैसे विदेश में एक रोंडा बर्न है, ऑस्ट्रेलिया की स्पिरिचुअल टीचर है, उसने विश्व के 24 आध्यात्मिक शिक्षकों को एकत्रित करके एक मूवी तैयार की, द सीक्रेट, रहस्य। फिर उसकी ढेरों पुस्तकें निकली, उसमें बहुत सारी बातें मिली। ये स्पंदन का सिद्धांत, अपन जैसा स्पंदन करते हैं वैसा ही आकर्षण होता है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। इफ योर वाइब्रेशन इज नेगेटिव देन अट्रैक्शन इज नेगेटिव, इफ योर वाइब्रेशन इज पॉजिटिव देन अट्रैक्शन इज पॉजिटिव। अगर आपका स्पंदन सकारात्मक होगा तो सकारात्मक आकर्षण होगा, अगर नकारात्मक होगा तो नकारात्मक आकर्षण होगा। उसके 14वें पृष्ठ पर उन्होंने लिखा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे कपड़ों पर कुछ भोजन या कोई ऐसी चीज़ गिर जाए और दाग पड़ जाए। ऐसा सोचने वाला उस दाग को अपनी ऊर्जा दे रहा है, और आकर्षण का नियम ये कह रहा है कि उसके चाहने न चाहने से घटना नहीं घटित होगी। वो जिस पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं वो चीज़ उसके जीवन में खिंच कर आएगी, आना पड़ेगा उसको। तो वो कह रहा है कि मैं दाग नहीं चाहता, तो आकर्षण का नियम कहता है कि तुम्हें दाग पड़ने वाला है, और जितनी तीव्रता से वो ऐसा सोचता है उतनी जल्दी वो घटना होती है। इसलिए उनका कहना ये है, कटारिया ऑटोमोबाइल्स के डायरेक्टर नवीन जी ने उस पुस्तक को पढ़ने के बाद एक वाक्य में उसका सार ये बतलाया कि अपने को वही वाक्य बोलने हैं या सोचने हैं जो अपन चाहते हैं, जो अपना लक्ष्य है। नहीं बोलने से वो चीज़ दूर नहीं होती, बल्कि उस चीज़ पर ध्यान देना ज़रूरी है जो अपना लक्ष्य है। बाधाओं पर ध्यान देने से बाधाएं आती हैं, लक्ष्य पर ध्यान देने से लक्ष्य प्राप्त होता है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।